बालाघाट जिला अब अपनी संपदा के साथ रिश्वतखोरी और आय से अधिक संपत्ति के अपराधों में भी अपनी पहचान बना रहा है। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति मामले में हर माह कहीं न कहीं कार्रवाई हो रही है। इस बीच यहाँ के भटेरा में एक निजी स्कूल के पीछे रहने वाली रिटायर विद्युत विभाग के सहायक यंत्री के यहाँ सुबह सुबह ईओडब्ल्यू की टीम पहुँच गयी और जब कार्रवाई करना शुरू हुई तो रिटायर्ड सहायक यंत्री के घर करोड़ों की संपत्ति मिली। टीम के द्वारा की गई प्रारंभिक कार्रवाई में आलिशान 6 मकान के साथ लगभग 12 प्लॉट समेत कई गाड़ियां मिली। ईओडब्ल्यू की जांच अभी भी जारी है। वही डीएसपी मंजीत सिंह ने मामले को लेकर बताया कि रिटायर्ड सहायक यंत्री प्रजापति की पत्नी के नाम से सतपुड़ा लीजिंग एंड फाइनेंस नामक कंपनी का संचालन किया जा रहा था, इसकी भी जाँच की जा रही है। वही ईओडब्ल्यू के एसपी से मिली जानकारी के अनुसार इस कार्रवाई में अब तक 280% से ज्यादा संपत्ति का पता चल चुका है। ये ईओडब्ल्यू जबलपुर में शिकायत हुई थी कि सहायक यंत्री एमपीबी के श्री दिनेश प्रजापति और उनकी पत्नी, इनके द्वारा उनके सेवाकाल के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है। उसके अलावा उनके द्वारा एक सतपुड़ा लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी भी चलाई जा रही है, उसके नाम से भी काफ़ी प्रॉपर्टीज खरीदने और बेचने का काम हो रहा है। इस शिकायत के सत्यापन के बाद दोनों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का एक प्रकरण ईओडब्ल्यू भोपाल में दर्ज किया गया था और उसी विवेचना के सिलसिले में कल माननीय विशेष न्यायालय बालाघाट से सर्च के लिए वारंट लिया गया है और आज उसी वारंट के पालन में उनके यहाँ जो सेंट मेरी स्कूल के पास जो घर है इसमें तलाशी की कार्रवाई हो रही है और इसमें हम लोग दस्तावेज अभी खंगाल रहे हैं। अभी शुरुआत की कार्रवाई है और अभी काफ़ी समय इसमें और लगेगा। केस भी जब्त हुआ है? नहीं, अभी मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी बिल्कुल शुरुआत ही हुआ है और अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं, जैसा मिलेगा मैं आगे बताऊँ। ये आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के सहायक इंजीनियर श्री दयाशंकर प्रजापति के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गए थे। शिकायत की जांच उप निरीक्षक श्रीमती कीर्ति शुक्ला के द्वारा की गई और जांच में जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर पाया गया कि इनके जो आय के वैधानिक स्रोत हैं उसकी तुलना में लगभग 280% इनके द्वारा व्यय और संपत्ति अर्जित करना पाया गया। प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप प्रमाणित पाए जाने से इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक श्री मंजीत सिंह द्वारा की जा रही है और विवेचना के प्रक्रम में इनके और निवेशों की जानकारी और संपत्तियों के डिटेल्स प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सर्च कार्य प्रारंभ की गई है। सर्च कार्य मौके पर जारी है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई कर बालाघाट, सिंगरौली समेत अन्य जगह 16 प्लांट, 6 जगह मकान, 2 फैक्ट्री, 1 कंपनी समेत कई कंपनियों में निवेश, सोना चांदी समेत नकदी भी बरामद किए हैं। अभी कार्रवाई पूरी होने को है। ऐसे में बिजली विभाग के रिटायर्ड सहायक यंत्री के पास से और भी कई आय से अधिक संपत्ति के खुलासे हो सकते हैं। पंजाब केसरी के लिए बालाघाट से हरीश लिल्हारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।